एक डायरे का मूल्य 176 सम है, इसका निष्पत्तल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है दायरे का मूल्य, तो हम लिखेंगे दिया हुआ है दायरे का मूल्य बराबर 176 सम। इसके बाद हमें पता लगा है निष्पत्तल, निष्पत्तल की जगह कि हम सवालिया निशान रखेंगे जो कि हमें मालूम करना है। अब हम दायरे के मूल्य का जाप्ता लिखेंगे। दायरे का मूल्य बराबर है 2πr। अब हम दायरे के मूल्य की जगह पर दायरे के मूल्य दिया हुआ है 176 सम, तो हम यहाँ पर दायरे का मूल्य लिखेंगे 176 सम बराबर है 2 एज इट इज। जब पाई की कीमत पता है आपको 22/7, जब r निष्पत्तल हमें मालूम करना है तो निष्पत्तल की जगह पर r वैसे ही रहने देंगे। तो चलिए ये निष्पत्तल हम इस साइड लेकर आएंगे, r बराबर है 176, जब ये नीचे की कीमत इसार तकसीम होगा जल में आकर ऊपर ऊपर आएगा 176/7 बटे 2/22। अब हम इनकी तकसीम करेंगे, तो चलिए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 8, 2 × 6 = 8। फिर से ये 11 से तकसीम होगा, 11 × 11 = 44, ऊपर क्या आया है 4 × 7 = 4 × 7 = 28, तो हमें निष्पत्तल क्या मिला है 28 सम। दायरे का निष्पत्तल बराबर है 28 सम। इस तरह से हमने ये सवाल नंबर 2 में दायरे का निष्पत्तल मालूम किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं मछली सवाल 42 का सवाल नंबर 3। सवाल है, एक दायरा नुमा बाघ का निष्पत्तल 56 मीटर है। बाघ के इर्द गिर्द 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रूपए प्रति मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बाघ दायरा नुमा है, ठीक है। अब इस दायरा नुमा बाघ का निष्पत्तल दिया हुआ है आपको जो है 56 मीटर, तो हम दिया हुआ क्या है बाघ का निष्पत्तल 56 मीटर। उसके बाद तार लगाने के लिए प्रति मीटर खर्च दिया हुआ है आपको 40 रूपए। तो चलिए दायरा नुमा बाघ का सबसे पहले मुहित मालूम करेंगे। दायरा नुमा बाघ का मुहित बराबर है 2πr। आपको जाप्ता पता है मुहित का 2πr, r इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पर निष्पत्तल दिया हुआ है। 2 एज इट इज पाई की वैल्यू, पाई की सीमा के 22/7 और r आपको दिया हुआ है 56 मीटर। तो चलिए इसको हल करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, ऊपर क्या कीमत बची है 2 × 22 = 8। जब इसका हम जर्ब करेंगे तब हमें मिलेगा एक नंबर 352 जो कि है दायरा नुमा बाघ का मुहि। ये आया है दायरा नुमा बाघ का मुहि 352 मीटर। अब चलिए हम पता करेंगे बाघ के एक फेरे के लिए दरकार खर्च। बाघ का मुहित है 352 मीटर और आपको दिया हुआ है कि तार को लगाने के लिए प्रति मीटर खर्च है 40 रूपए, तो हम मुहित और प्रति मीटर खर्च का जब करेंगे। जब हम 352 को 40 से जब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 14,080 रूपए। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि 4 फेरों वाली तार लगाने के लिए दरकार खर्च पता करना है, तो 4 फेरों वाली तार के लिए दरकार खर्च इस तरह से मालूम करेंगे कि बाप के एक फेरे के लिए दरकार खर्च को जब करेंगे 4 से, तो हमें 4 फेरों वाली तार के लिए दरकार खर्च हासिल होगा। तो चलिए 14,080 जब 4, जब हम इनका जब करेंगे तो हमें 56,352 रूपए हासिल होगी। इस तरह से हमें, तो हम अब क्या करेंगे बाघ के 4 फेरों के लिए दरकार खर्च मालूम करने के लिए हमें 14,080 को 4 से जब करना पड़ेगा क्योंकि हमें 4 फेरों वाली तार के लिए दरकार खर्च पता करना है। जब हम ये दोनों का जब करेंगे तो हमें कीमत मिलेगी जो है 56,320 रूपए, ठीक है। इस तरह से हमने बाघ के 4 फेरों वाली तार लगाने के लिए दरकार खर्च मालूम किया है
जो है 56,320 रुपए। इस तरह से ये था सवाल नंबर 3।